हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पठानकोट से दिल्ली तक चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पठानकोट दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है पठानकोट से दिल्ली के बीच में चलती है, हफ्ते के 6 दिन चलती है, सिर्फ शुक्रवार को छोड़ के बाकी सारे दिन ये दिल्ली से पठानकोट से दिल्ली के बीच में चलती है। अगर हम इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये पठानकोट से अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, अंबाला होते हुए नई दिल्ली तक अपनी यात्रा जो है पूरी करती है। नई दिल्ली के पुरानी दिल्ली स्टेशन तक ये चलती है और इस ट्रेन का नंबर है 22430 और ये जो ट्रेन है 10 घंटे में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 554 किलोमीटर की ये दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर और ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हफ्ते के 6 दिन चलती है, सिर्फ शुक्रवार को छोड़ के बाकी सारे दिन ये पठानकोट से दिल्ली के बीच में चलती है। अगर हम इसके रूट मैप के बारे में टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो पठानकोट से पुरानी दिल्ली स्टेशन तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। एसी चेयर कार का जो किराया है वो है 735 रुपये, सेकेंड सीटिंग का जो किराया है वो है 195 रुपये और जनरल अनरिजर्व डिब्बे का जो किराया है वो है 180 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रेन है पठानकोट जंक्शन से पंजाब से ये ट्रेन जो है सुबह 7 बजे हफ्ते के 6 दिन चलती है, शुक्रवार को छोड़ के बाकी सारे दिन चलती है। पठानकोट जंक्शन से ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है दीनानगर। दीनानगर में ट्रेन जो है सुबह 7:25 पर पहुंचती है और 7:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुरदासपुर में पहुंचती है सुबह 7:37 पर और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धारीवाल स्टेशन में पहुंचती है। धारीवाल स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:50 पर पहुंचती है और 7:52 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बटाला जंक्शन में पहुंचती है। बटाला जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:12 पर पहुंचती है और 8:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:05 और 25 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इंजन भी रिवर्स होता है और इसका इंजन भी चेंज होता है, डीजल से इलेक्ट्रिकल इंजन इस ट्रेन में लगता है। उसके बाद ये ब्यास जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:58 पे और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में पहुंचती है। जलंधर सिटी जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 10:40 पे पहुंचती है और 10:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पठानकोट दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो लुधियाना जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:45 और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरहन जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:48 पे और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है जो कि हरियाणा का पहला स्टेशन है। यहां पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:40 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कुरुक्षेत्र जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:20 पे और 2:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो करनाल स्टेशन में पहुंचती है 2:44 पे और 2:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन में पहुंचती है 3:12 पे दोपहर को और 3:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोनीपत जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 3:44 पे और 3:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये हरियाणा से दिल्ली में एंटर करती है। दिल्ली का जो इसका सेकेंड लास्ट स्टेशन है वो है सब्जी मंडी में। ये 4:30 पे शाम को पहुंचती है और 4:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन या ओल्ड दिल्ली जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5 बजे और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 1553 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे।
और अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई आइडिया शामिल करूं इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।